Hello students, welcome to Raju sir online classes. आज मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का रिमेनिंग पार्ट आपको समझाने वाला हूं। अपने पिछली वीडियो में जहां तक मैंने कवर किया था उसका एक रिकैप छोटा सा दे दूं तो आपको ज्ञात होगा कि 1789 में रेवोल्यूशन हुआ और रेवोल्यूशन के बाद पावर नेशनल असेंबली के पास आ गई। फिर नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और राजा की पावर को लिमिट कर दिया, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं, जो 1791 में एस्टैब्लिश हो। लेकिन 1792 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी खत्म हो गई और रिपब्लिक बन गया और पावर जैकोबिन सरकार के पास आ गई। अब जैकोबिन गवर्नमेंट जो बनी 1793 से 94 के बीच में, जो रोबोस्पेयर के शासनकाल में बनी, उसने रिपब्लिक के नियमों को इतने सख्ती से लागू किया कि उसके फॉलोअर भी इस गवर्नमेंट को हटाने के पक्ष में हो गए। अल्टीमेटली रोबोस्पेयर गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता है। इस तरह जैकोबिन सरकार की पतन हो जाती है। यहां तक मैंने प्रीवियस वीडियो में डील किया था। अब जैकोबिन सरकार के बाद क्या हुआ? तो जैकोबिन सरकार के बाद फिर से पावर मिडिल क्लास रिच लोगों के पास चला जाता है और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में फिर जो है राइट टू वोट, जो सबको दे दिया गया था, उसे फिर लिमिट कर दिया गया कि उन्हीं लोगों के पास राइट टू वोट होगी जिनके पास प्रॉपर्टी होगी। और इस तरह एक नई सिस्टम बनी, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और इस कॉन्स्टिट्यूशन में टू लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की गई। टू लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करेगा और उस डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स होंगे। ये डायरेक्टरी ही एग्जीक्यूटिव की तरह वर्क कर रहा था। कहा यह गया कि वन मैन के हाथ में सारी पावर थी जैकोबिन गवर्नमेंट में, रोबोस्पेयर के पास, इसलिए उसने इसका मिसयूज किया। तो क्यों नहीं पावर को एक के बजाय कुछ लोगों के हाथ में दे दिया जाए और इसीलिए डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें 5 डायरेक्टर्स होते थे, 5 लोग होते थे और ये 5 लोग मिलकर के डिसीजन लेते थे एग्जीक्यूटिव की तरह। लेकिन एग्जीक्यूटिव यानी डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इन दोनों के बीच में लगातार मतभेद चलते रहते थे और मतभेद के कारण बार बार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी वो डायरेक्टर्स को हटाती थी, नए डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते थे। इस तरह फ्रांस में एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गया बार बार डायरेक्टरी के बदलने के कारण। कहा जाता है कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण नेपोलियन बोनापार्ट, जो एक आर्मी पर्सन था, उसे फ्रांस का डिक्टेटर बनने का रास्ता साफ कर दिया और इसी का फायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फिर से मोनार्की सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देता है फ्रांस के अंदर, यानी नेपोलियन फ्रांस का राजा बन जाता है। लेकिन इन सारे परिवर्तनों में 1789 से लेके 1804 के बीच में जितनी भी गवर्नमेंट बनी, उस सभी गवर्नमेंट ने जो रेवोल्यूशन के मूल पॉइंट्स थे, यानी राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, इस कॉन्सेप्ट्स को सभी गवर्नमेंट ने फॉलो किया। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है वो दुनिया को ये सारे डेमोक्रेटिक वैल्यू दिए, जो आज भी पूरे दुनिया में सभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसे फॉलो करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस में आखिर वुमेन की कंडीशन कैसी थी। तो यदि हम फ्रांस के वुमेन की कंडीशन जानने की कोशिश करें तो ये पाएंगे कि फ्रांस में वुमेन मेन के तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन पुरुषों के बराबर उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं था। थर्ड स्टेट की महिलाएं
वर्क करने के लिए, वर्क करने के लिए इंडिपेंडेंट थी, लेकिन कैसा वर्क करती थी? वही वर्क जो सिलाई बुनाई का काम, कपड़े धोने का काम, डोमेस्टिक वर्क का काम, यही सब काम थर्ड स्टेट के महिलाओं को करना पड़ता था। ये इसलिए करना पड़ता था कि उन्हें जीने के लिए इन कामों की जरूरत थी। राइट टू एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग ये नहीं थी, यानी फीमेल के पास ये राइट नहीं थी। ये राइट सिर्फ लिमिटेड थी नोबल क्लास के फीमेल के लिए, और थर्ड स्टेट के जो रिच लोग थे उनके घर की जो महिलाएं थी वो कई बार कॉन्वेंट में पढ़ा करती थी, और पढ़ने के बाद पिता की मर्जी के आधार पर उन्हें मैरिज करनी पड़ती थी, और इस तरह वो अपने परिवार को चलाना उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता था। इस तरह फ्रांस के यूं कह लें कि थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी वो काम तो कुछ कर सकती थी, लेकिन फिर भी उनका जीवन के ऊपर पुरुषों के बराबर का अधिकार प्राप्त नहीं था। रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस में महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ मिलकर के आगे बढ़ने का काम किया। जब पुरुष फ्रांस के वार में इन्वॉल्व थे तो महिलाओं ने घर की जिम्मेवारी संभाली, और उन्हें ये उम्मीद थी कि रेवोल्यूशन से उन्हें भी कुछ हासिल होगा। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जब बनी तो उस समय बहुत सारे वुमेन्स क्लब भी बनाए गए, 60 से ज्यादा वुमेन्स क्लब बने, जिसमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये दो फेमस वुमेन्स क्लब थे, और इस तरह 60 वुमेन्स क्लब बने, और सभी यही मांग कर रहे थे कि उनके पास भी इक्वल डेमोक्रेटिक राइट्स होनी चाहिए। यानी जिस तरह फ्रांस में पुरुषों को अधिकार दिए गए हैं उसी तरह महिलाओं को भी डेमोक्रेटिक राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वोट फीमेल को नहीं मिली और उन्हें पैसिव सिटीजन बना दिया गया, आपको याद होगा एक्टिव और पैसिव सिटीजन, तो फीमेल को किसमें रखा गया? पैसिव सिटीजन में। तो वुमेन्स क्लब को काफी निराशा हुई, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें कुछ हासिल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए बहुत सारे लॉ पास किए, उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए। उन कानूनों में कहा गया कि स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी, महिलाओं के लिए अब स्कूल जाना कंपल्सरी कर दिया गया, क्योंकि इसके पहले राइट टू एजुकेशन सबके पास नहीं थी। तो एक बहुत बड़ा चेंज था, स्कूलिंग कंपल्सरी किया गया। अब फादर कुड नॉट फोर्स देयर डॉटर टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, यानी कहा गया कि अब पिता अपनी पुत्री का विवाह उसके मर्जी के खिलाफ कहीं और नहीं कर सकते, जबकि पहले महिलाओं को वही शादी करनी होती थी, लड़कियों को वही शादी करनी होती थी जहां पे उनके पिता चाहते थे। इसके अलावा डाइवोर्स वाज मेड लीगल, तलाक का अधिकार लीगल राइट दे दिया गया, और कहा गया कि पुरुष और महिला दोनों के पास अधिकार होगा कि म्यूचुअल कोऑपरेशन के बेस पर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे वे तलाक ले सकते हैं। इसके अलावा जॉब ट्रेनिंग भी देने का अधिकार दे दिया गया, यानी पहले वो जॉब के लिए ट्रेनिंग नहीं ले सकती थी, लेकिन अब उन्हें जॉब के लिए ट्रेनिंग अलाउ कर दिया गया। इस तरह रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के शासनकाल में महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आए। लेकिन जब जैकोबिन गवर्नमेंट बनी रोबेस्पियर के शासनकाल में, वुमेन्स क्लब पे बैन लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड कर रही थी, एजिटेशन कर रही थी, और इसीलिए उनको, वुमेन्स क्लब को बैन कर दिया गया। बहुत सारे वुमेन जो पार्टिसिपेंट्स थी उनको अरेस्ट किया गया, और बहुत सारे वुमेन्स को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। इसी तरह की एक महिला थी ओलंपे डी गोजेस, इन्होंने
डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, जिस तरह से डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन पब्लिश किया गया था, ठीक उसी तरह ओलंपे डी गोजेस ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन भी उन्होंने पब्लिश किया था। लेकिन रोबोस्पियर गवर्नमेंट ने ओलंपे डी गोज को अरेस्ट किया और बाद में इन्हें एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। इस तरह महिलाओं का जीवन में कुछ परिवर्तन तो आए, लेकिन राइट टू वोट उन्हें नहीं मिल पाया उस टाइम, और अल्टीमेटली राइट टू वोट उन्हें 1964 में मिला, जो कि काफी देर से मिला। इस तरह हम कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी पीरियड में महिलाओं के जीवन में थोड़े बहुत परिवर्तन आए, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स उन्हें नहीं मिले जिस तरह से मेन को मिले थे। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी को हिंदी में कहते हैं दास प्रथा। दास यानी एक तरह से गुलाम, गुलाम बनाने की प्रथा। अब जैसा कि आपको सबको पता है कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड करने के लिए आई थी, उसी तरह यूरोप की बहुत सारी कंपनी, चाहे वो फ्रांस की हो, पुर्तगीज हो या डच हो, ये सब भी अपनी अपनी कॉलोनी बना रहे थे। ठीक उसी तरह फ्रांस ने भी अपनी कॉलोनी कैरिबियन आइलैंड्स में डेवलप किए थे, और कैरिबियन आइलैंड्स में उनके कॉलोनीज का नाम था मार्टिनिक, ग्वाडेलोप और सैन डोमिंगो। ये तीन उनकी फेमस कॉलोनीज थी कैरिबियन एरियाज के अंदर। ये तीनों कॉलोनीज सप्लाई करती थी इंडिगो, सुगर, टोबैको एंड कॉफी। यानी फ्रांस में ये चारों चीजें, इंडिगो, सुगर, टोबैको एंड कॉफी, कहां से आता था? तो कैरेबियन कॉलोनी से आते थे। और कैरेबियन कॉलोनीज के अंदर जो प्लांटेशन वर्क था, उस पे काम करने के लिए जो लेबर की जरूरत थी, वो वहां पे अवेलेबल नहीं थी। और फ्रांस के लोग कैरेबियन एरिया में खुद काम करने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं थे। बट नेचुरल है, वहां पे वर्कर्स की स्कार्सिटी आएगी। अब इस वर्कर्स की कमी को पूरा करने के लिए एक नया तरीका डेवलप हुआ, और उसी को हम स्लेव ट्रेड कहते हैं। ये स्लेव ट्रेड एक ट्रायंगल के माध्यम से समझना आपको आसान होगा। ये पॉइंट ए यूरोप है, यूरोप से, यूरोप यानी फ्रांस, फ्रांस से जो ट्रेडर्स होते थे वो आ जाते थे अपनी शिप को लेकर के अफ्रीका। अफ्रीका में वो जो लोकल मीडिएटर्स होते थे, उनके थ्रू बड़ी मात्रा में यहां जो गरीब निग्रोज थे उनको खरीदते थे, और खरीदने के बाद उन्हें सिंबॉल के लिए लोहे से, लोहे को गर्म करके चिन्ह लगा दिया जाता था, उनके बॉडी पे मार्क बना दी जाती थी, और बड़ी मात्रा में जहाजों में भरकर यहां से 3 महीने की लंबी यात्रा पर उन्हें अमेरिका यानी कैरेबियन आइलैंड के पास भेज दिया जाता था। यहां पर इन्हें जो लोकल प्लांटेशन ओनर थे उनके हाथों इन्हें बेच दिया जाता था। और इस तरह यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच एक ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड पनप रहा था। कहा जाता है कि फ्रांस के दो पोर्ट नैंटेस एंड बॉर्डियोक्स इसलिए इतने रिच हो पाए क्योंकि इन्हीं दो पोर्ट से स्लेव का ट्रेड किया जाता था। इन स्लेव्स के पास कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होती थी, इन्हें इनके जीवन बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था। इनके जीवन पर या इनके जीवन को बदलने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की गई। हालांकि 1789 में जब रेवोल्यूशन हुआ, और रेवोल्यूशन के बाद नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट बनी, तो
तो नेशनल असेंबली में कई बार इस पे डिस्कशन हुआ, लेकिन कोई फाइनल बिल पास नहीं किया जा सका, क्योंकि नेशनल असेंबली के अंदर उस समय बहुत सारे रिच भी लोग थे, जो कई लोग उसमें से स्लेव ट्रेड में खुद इन्वॉल्व थे, और यही कारण है कि नेशनल असेंबली ने भी कोई लॉ पास नहीं किया इन स्लेव के लिविंग कंडीशन को चेंज करने के लिए। अल्टीमेटली जब रिपब्लिक बन गया फ्रांस, और रिपब्लिकन या यूं कह लें कि जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट बनी, जैकोबिन क्लब के पास पावर आई, और कन्वेंशंस ने 1794 में, इन 1794 कन्वेंशन पासेज अ लॉ टू फ्री ऑल स्लेव्स। 1794 में कन्वेंशन ने ये पास किया कि जितने भी फ्रांस के कॉलोनीज होंगे उन सब के स्लेव्स को फ्री रहने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन ये अधिकार ज्यादा समय तक नहीं बना रहा, क्योंकि 1804 में 10 साल बाद फिर से फ्रांस में नेपोलियन ने स्लेव ट्रेड को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी 1804 नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी, सिर्फ 10 सालों तक यहां पे वो फ्री रह पाए। लेकिन उनका संघर्ष यूं ही आगे चलता रहा, और फाइनली फ्रांस से 1848 में स्लेवरी वाज एबॉलिस्ड, और 1848 में आकर फ्रांस के सारे कॉलोनी से स्लेवरी खत्म किया गया, क्योंकि कि बिना स्लेव्स के प्लांटेशन वर्कर्स प्रॉफिट नहीं गेन कर सकते थे, और न ही वो यूरोप की डिमांड को पूरा कर सकते थे, इसलिए 1848 तक स्लेव ट्रेड यू ही चलता रहा। हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक ये है द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। क्या रेवोल्यूशन से आम लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आया या नहीं, इस पे हम जानने वाले। निश्चित तौर पे आम लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आया, क्योंकि 1789 में एक लॉ पास हुआ, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। अब सेंसरशिप समझना है कि सेंसरशिप क्या था। कहा जाता है कि इस एक लॉ ने लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। सेंसरशिप यानी पाबंदी। किस तरह की पाबंदी? तो ओल्ड रिजिम में, यानी जब राजशाही थी फ्रांस के अंदर, तो ऐसा नियम था कि कोई भी मटेरियल, रिटन मटेरियल पब्लिश तभी होगा, कोई भी कल्चरल इवेंट्स तभी परफॉर्म किया जाएगा जब तक उसे राजा के एक सेंसर्स होते थे उनके द्वारा उसे परमिशन न दिया जाए। मतलब यह हुआ कि रिटन मटेरियल को पब्लिश करने से पहले राजा को दिखाना पड़ता था, उसी तरह कल्चरल इवेंट्स को परफॉर्म करने से पहले राजा को दिखाना पड़ता था, और यदि राजशाही को लगता था कि इससे हमें कोई खतरा नहीं है तभी उसे पब्लिकली पब्लिश किया जाता था या परफॉर्म किया जाता था। ये एक ऐसी राइट थी जिसके कारण लोग अपने विचार को व्यक्त नहीं कर सकते थे। लेकिन फ्रांस में जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर मेन एंड सिटीजन जब आया, और उसमें राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, ये सब नेचुरल राइट्स माने गए, तो लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब सभी लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आजाद थे, वो अपने विचार व्यक्त करने के लिए छोटे छोटे पैम्पलेट लोगों तक पहुंचा सकते थे, और जो भी किताबें थी जो पहले सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में सीमित थी, जो ज्ञान कुछ लोगों के पास सीमित था, अब वो आसानी से लोगों तक पहुंचने लगा। हर व्यक्ति के पास विरोध करने का अधिकार आ गया, यानी वो यदि किसी विचार से सहमत नहीं है तो वो अपना विरोध प्रकट कर सकता था। इस तरह लोगों के जीवन में इस फ्रांसीसी क्रांति के कारण, फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण एक बहुत बड़ा बदलाव आया। लोगों के समझने का, सोचने का नजरिया ही बदल गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ्रांस की रेवोल्यूशन ने लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन किया। चलते हैं चैप्टर के आखिरी पार्ट की ओर,
यानी कंक्लूजन की ओर। तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1804 में फ्रांस का किंग बन गया नेपोलियन, जो एक आर्मी पर्सन था, उसने पावर गेन कर लिया और फ्रांस फिर से एक तरह मोनार्की सिस्टम में आ गया। लेकिन 1804 में जब नेपोलियन वहां का रूलर बना तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए और ये उसके चेंजेस उसके जाने के बाद भी न सिर्फ फ्रांस के अंदर बल्कि यूरोप के अन्य देशों ने भी इसे फॉलो किया। वो क्या चेंजेस थे इसके बारे में डिटेल में आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे बस छोटी सी इंफॉर्मेशन जान लेंगे कि उन्होंने जो चेंजेस किए उसमें पहली चेंजेस थी प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी हर व्यक्ति को राइट टू प्रॉपर्टी मिल गया, यानी संपत्ति रखने का अधिकार उसने दिया। इसके अलावा उसने एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम वो इंट्रोड्यूस किया, यानी उस समय फ्रांस के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, वेट्स एंड मेजर्स को उन्होंने डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड एक यूनिफॉर्मिटी बनाया, यानी पूरे देश के अंदर एक तरह की सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। कहा जाता है कि ये चेंजेस इतने उसके पॉपुलर थे कि लोग नेपोलियन को लिबरेटर मानते थे, यानी ऐसा पर्सन जो उन्हें आजादी सही अर्थों में दिलाएगा। लेकिन जल्द ही उन्हें ज्ञात हो गया कि नेपोलियन की जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत बड़ा है, वो पूरे यूरोप को जीतना चाहता था और इसीलिए यूरोप की सारी शक्तियां एक साथ मिलकर नेपोलियन को हराने के लिए एकजुट हुई और बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में फाइनली नेपोलियन की डिफीट होती। लेकिन मैं बता चुका हूं कि नेपोलियन का डिफीट तो हो गया, लेकिन उसके जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम थे वो काफी फेमस हुए, न सिर्फ फ्रांस के अंदर बल्कि यूरोप में भी इसे लागू किया गया। इस तरह हम देख रहे हैं कि पूरे रेवोल्यूशन पीरियड में जो भी चेंजेस हुए वो सारे चेंजेस ऐसे थे जो रेवोल्यूशन के बाद न सिर्फ फ्रांस के अंदर बल्कि दुनिया में भी इसे लोगों ने अपनाना शुरू किया। यानी यदि हम कहें कि फ्रांस ने क्या क्या दिया पूरे दुनिया को इस रेवोल्यूशन के द्वारा, तो तीन कॉन्सेप्ट लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों कॉन्सेप्ट फ्रांस की हम कह सकते हैं देन है पूरी दुनिया को, और ये चीजें पूरी दुनिया के लोगों ने फ्रांस से सीखा और जहां भी डेमोक्रेसी आई वहां पे इस तरह के वैल्यूज को एडॉप्ट करने के लिए सोचा गया। इनके विचारों से पूरे दुनिया के जो भी परिवर्तन करने वाले लोग थे, समाज सुधारक हो सकते हैं या यूं कह ले कोई महान पुरुष हो सकते हैं, ये सभी लोग इनके विचारों से काफी प्रभावित हुए। यदि उदाहरण की बात करें तो भारत से दो नाम ऐसे हैं, राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान। ये टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ये दोनों फ्रांस के विचारों से काफी प्रभावित थे और वो भारतीय समाज में भी इन परिवर्तनों को लाना चाहते थे। इस तरह ये फ्रांस का रेवोल्यूशन पूरी दुनिया को ये कॉन्सेप्ट दिया और आज भी पूरी दुनिया फ्रांस को इनके लिए आभार मानेगी, आभार व्यक्त करेगी कि हमें ये कॉन्सेप्ट जो मिले वो फ्रांस से मिले। इस तरह मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं कि आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभ उठा सके, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यदि सब्सक्राइब करेंगे तो फिर मैं कोई और चैप्टर या कोई और टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी, तो आपको समझने में काफी हेल्प मिलेगी। टिल देन गुड बाय।